सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में आईफोन के कीबोर्ड और आईफोन के इमोजीज को कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके फोन में आईफोन का कीबोर्ड नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, तो आप इजिली अपने फोन में आईफोन के कीबोर्ड को ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जिससे आपको क्लियरली सारी चीजें समझ आए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल के कीबोर्ड और इमोजीज को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी नॉर्मल कीबोर्ड है जो कि सभी एंड्रॉइड फोन्स में होता है। अब इस नॉर्मल कीबोर्ड को आईफोन के कीबोर्ड में बदलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका कि आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को आईफोन के कीबोर्ड में बदलने के लिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा तरीका है कि आपको प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। सो आपके फोन पर पहले से गूगल कीबोर्ड आता है, तो इस गूगल कीबोर्ड को आईफोन के कीबोर्ड में बदलने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है और थोड़ा नीचे आपको आना है, और यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज एंड इनपुट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको करंट कीबोर्ड का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जीबोर्ड सिलेक्ट होगा, तो उसको यहाँ से इमोजी एंड फॉन्ट कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप अपने कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इमोजी एंड फॉन्ट कीबोर्ड को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कीबोर्ड ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका नॉर्मल कीबोर्ड आईफोन के कीबोर्ड में ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी इमोजीज चेंज नहीं हुए हैं, तो मैं आपको इमोजीज भी चेंज करके दिखा दूंगा। फिर उसके बाद आपको दोबारा से लैंग्वेज एंड इनपुट के ऑप्शन पर आ जाना है, और यहाँ पर करंट कीबोर्ड पर क्लिक करना है, और जिनके में इमोजी एंड फॉन्ट कीबोर्ड का ऑप्शन था उनको उसी को सिलेक्ट रहने देना है, और जिनके में इमोजी एंड फॉन्ट कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं था उनको जी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने मोबाइल का कीबोर्ड ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद थीम्स पर क्लिक करना है, और यहाँ नीचे आपको कलर्स वाले ऑप्शन से व्हाइट वाले कलर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड को ऑन कर देना है, फिर उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कीबोर्ड ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं, आपका कीबोर्ड आईफोन के कीबोर्ड में बदल चुका है। और इमोजीज को चेंज करने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिर उसके बाद अगर तब भी आपके फोन में आईफोन का कीबोर्ड शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ग्रीन एप्पल कीबोर्ड। सर्च करने के बाद आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसे इनेबल करना होगा, तो आपको इनेबल इन सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन एप्पल कीबोर्ड के ऑप्शन को ऑन कर देना है, और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको ओके पर क्लिक कर देना है, तो ये ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद बैक आना है और स्विच इनपुट मेथड्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ग्रीन एप्पल कीबोर्ड पर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना कीबोर्ड चेक करना है। तो यहाँ पर आप अपना कीबोर्ड देख सकते हैं, बिल्कुल आईफोन के कीबोर्ड में बदल चुका है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अपने एंड्रॉइड फोन के इमोजीज को आईफोन के इमोजीज में कैसे बदल सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के थीम्स ऐप को ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद आपको फॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है एप्पल इमोजी 15.4। स्पेलिंग आपको सही से डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको दो फॉन्ट्स बताने वाला हूँ। पहला कि आप एप्पल इमोजी 15.4 इस वाले फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा फॉन्ट 15.4 इमोजी 2022 इस वाले फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डाउनलोड करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नॉर्मल इमोजीज आईफोन के इमोजीज में ऑलमोस्ट बदल चुके हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।